सवारियों से भरी प्राइवेट बस वीरवार सुबह पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, वहीं दो की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हादसा हरियाणा के करनाल में हुआ है। बस करनाल से सफेद हो जा रही थी कि बेकाबू होकर पलट गई। सवारियों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले दौड़ आए और बचाव अभियान चलाया गया। इसमें ये सुबह सुबह हमारे पास एक मास कैजुअलिटी आई है, जिसमें एक बस का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। ये गांव धनौली के पास एक बस पलट गई थी, जिसमें हमारे पास टोटल 18 केस आए हैं कैजुअलिटीज। एम्बुलेंस लेके आई है वहां से उठा के उनको, और उसमें से 5 केसेस को, जिनको थोड़ी ज्यादा चोटें थी, जिनको हमें डाउट था कि इनके हाथ पैर टूटे हुए फ्रैक्चर हैं, उनको हमने करनाल कल्पना चावला और सिविल हॉस्पिटल करनाल में रेफर किया है एम्बुलेंस से, गवर्नमेंट एम्बुलेंस से। बाकी पेशेंट जो है उनके वाइटल स्टेबल हैं, उनका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में। सर कितने चोटें लगी जो रेफर किए उनको? उनको थोड़ी ज्यादा है चोटें, किसी की पैर टूटा हुआ है, किसी के कमर में चोट ज्यादा है, किसी के सिर में चोट ज्यादा है। इंडिविजुअल अलग अलग मरीज को अलग अलग है चोटें, इसलिए हमको रेफर किया गया। तो बस असम से सफेदों की तरफ जा रही थी ना, तो काफी स्पीड में थी बस जी सर, और जैसे बस वाला जो ड्राइवर था उसने कट मारा, कट कट हाँ, जैसे कोई व्हीकल था उसको सारे उसके कट मारा ना वहां से जी सर, तो कंट्रोल नहीं है उसके बाद बस का, बैलेंस बिगड़ गया, कंट्रोल ना होने के कारण पलटी है बस। प्राइवेट बस थी सर? हाँ प्राइवेट बस, काफी स्पीड में थी, काफी स्पीड में थी, हाँ काफी स्पीड में थी। मैं असम से स्पीड 2000 हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दो लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसके चलते उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस बस पलटने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। न्यूज़ डेस्क।